अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया ने गुरुवार को एक बार फिर मिसाइल दागी। एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के हवाले से बताया कि उत्तर कोरिया ने 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल पूर्वी समुद्र में छोड़ी हैं। मिसाइलों ने करीब 430 किमी की दूरी तय की। अगले महीने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास भी होने वाला है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के चलते कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव हो सकता है। तानाशाह किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास से उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं। किम ने कहा कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच चल रही वार्ता पर इस अभ्यास का विपरीत असर पड़ सकता है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले 9 मई को परीक्षण किया था, जिसमें 2 मिसाइलें लॉन्च की गई थीं। जापान ने कहा कोई असर नहीं हुआ। अधिकारी के मुताबिक दक्षिण कोरियाई विश्लेषण से पता चला है कि दोनों मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। यह उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण हो सकता है, न कि दूसरे देशों को उकसाना, क्योंकि दोनों मिसाइलों का प्रक्षेपण कम दूरी से किया गया। वहीं जापान ने कहा है कि इन मिसाइलों से उसके समुद्री क्षेत्र में कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप से मुलाकात का कोई असर नहीं। 30 जून के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरियाई सीमा डिमिलिट्राइज्ड जोन में उत्तर कोरियाई शासक किम से मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रंप ने उत्तर कोरियाई सीमा में भी कदम रखा था। ऐसा करने वाले वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ट्रंप और किम के बीच अब तक 2 मुलाकातें सिंगापुर और वियतनाम हो चुकी हैं। उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने पर तो सहमति जताई थी, लेकिन वे लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है।